काफ़ी इन डिटेल में जाके हम लोगों ने कवर अप करके रखे हुए तो दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इसके बाद एक और कॉन्क्वेस्ट का लेक्चर आएगा दैट इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ बर्मा कॉन्क्वेस्ट ऑफ तिब्बत कॉन्क्वेस्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर कंट्री तो उसके ऊपर बेसिकली टुमारो विल बी टॉकिंग लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक अगेन आगे जाने से पहले यू विल गेट द एक्सेस टू पी पी टी इन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स दैट इज सी एस सी विद साइनल नागरे

ये एरिया काफी सिग्निफिकेंट है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एरिया ये हमेशा से ही माना जाता है बिकॉज इनके पास दो चीज़ है पहले तो दे एक्ट एज अ बफर इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पंजाब तो अफगानिस्तान इसके ऊपर है काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस एज यू कैन सी एंड आफ्टर पंजाब आपको तो पता ही हमने पहले भी देख के रखा हुआ है तो ऑब्वियली दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ बफर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग मेजर पार्ट ऑफ रिवर इंडस एंड इंडस का फर्टाइल प्लेन अगर आपके अंदर है दैन यू कैन क्लियरली से आपके पास बेसिकली ट्रेड एवेन्यूज बहुत ज़्यादा है फर्टाइल प्लेन मीन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मीन्स सरप्लस सरप्लस मीन्स क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का मतलब ट्रेड अभी हम लोगों ने एंशेंट पीरियड ऑफ टाइम्स अभी तक ये चीज़ें देख के रखी हुई है एंडर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनका एक और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है कि दे हैव अ डायरेक्ट आउटलेट टू बेसिकली अरेबिक ओशियन तो अरेबिक ओशन या फिर बेसिकली वी कैन कॉल अबाउट इंडियन ओशन जो है उसको इनका बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस जो है वो भी हम लोगों को दिखाई देता है तो एक अरेबिक ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है आपके पास यू आर कंट्रोलिंग मेजर पार्ट ऑफ रिवर्स इंडस सिंधु रिवर दैट्स आपको सिंध भी बोला जाता है एंड यू आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफर स्टेट इन बिटवीन पंजाब एंड अफगानिस्तान एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर इट्स कि अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स वेर हैविली इंटरेस्टेड एंड इफ़ ब्रिटिशर्स आर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान

And crisis, जिसके ऊपर भी हम लोगों ने करके रखा हुआ है सो समवेर अराउंड 1700 हंड्रेड ऑनवर्ड हमको दिखाई देता है कि जैसे इंडिया में मल्टीपल किंगडम इंडिपेंडेंट सेमी ऑटोनॉमस की तरफ चल पड़े थे सिंध ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम सेमी ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी स्टार्टिंग फ्राम सेवनटीन हंड्रेड इट सेल्फ सिंध पहले मुगलों के अंडर रहा मुगलों के बाद यहाँ पे जैसे नादिर शाह का इन्वेजन हुआ ऑब्वियसली ना शाहो इन फ्राम काबुल पेशावर एरिया

स्ट्रॉगर दुर्रानी चीफ अहमद शाह अब्दाली अंडर आफ्टर इस सन एंड सक्सेसर बैठे हुए थे तो तब इन्होंने बेसिकली अब्दाली क्लैन को ट्रिब्यूट देना चालू करके रखा था हाउ एवर ये पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पहले काल्होर चीफ एंडर आफ्टर तालपुर चीफ के अंडर था दोनों के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे अभी के लिए बस ओवर व्यू आई एम गिविंग ओवर ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे पहले काल्हर चीफ दर आफ्टर तालपुर चीफ यू कैन क्लियरली सी कि इन्होंने जब ट्रिब्यूट देने चालू किए पहले मुगलों को परशियंस दर आफ्टर अफग़ान तो दे हैड मेन्टेन क्वाइट कॉर्डियल रिलेशन विद द बिग पावर इन दिस रीजन जिसके वजह से दे कुड इजिल फोकस अपॉन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंटरनली और इसका काफ़ी ज्यादा फायदा इनको हुआ कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम सिद्ध बाज रिमेन अलू फ्रॉम द रीजनल वॉरफ़ेयर जिसके वजह से इनका ट्रेड काफी बड़ा बिकॉज यू आर नेबरिंग नेबरिंग किंगडम्स आर फाइटिंग एंड अगर आपके नेबरिंग किंगडम्स अगर फाइट कर रहे हैं आप न्यूट्रल रह रहे हो यू आर पेइंग ट्रीब्यूट टू इच एंड एंटिटी आपको उसका फायदा होगा ही

हाउ एवर भाई इन एटीन फोर्टी थ्री बिकॉज एटीन फोर्टी थ्री के जस्ट एक साल पहले लॉर्ड ऑकलैंड की अफगानिस्तान पॉलिसी हैड रिजल्टेड इनटू मैसिव फेलियर तो सिंध बेचारा बली का बकरा बना हुआ था इसके ऊपर भी हमने देखा देखना है कि अल्टीमेटली सिंध अनेक्ट सेशन वॉज कैरिड आउट सर चार्ल्स नेपियर एंड सर चार्ल्स नेपियर की पॉलिसीज एंडर आफ्टर अनेक्ट सेशन एंडर है एंड ऑफ दिस लेक्चर बट ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको थोड़ा सा याद रखोगे कि इनिशियली सारे के लोगों के साथ कॉर्डियल रिलेशन बाय पेइंग दम द ट्रिब्यूट एक्सेप्टिंग देर सुजर देर आफ्टर एनहेंसमेंट ऑफ द ट्रेड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल इंटरेस्ट का जैसे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आना एंड फाइनली सिंध वॉज मेड स्कीप गोड फॉर द ब्रिटिश फेलियर इन अफगानिस्तान तो लेट सेंटर इन टू दिस एस्पेक्ट नाउ कि सबसे पहले एक एक करके देखेंगे कि सेवनटीन हंड्रेड ऑन वर्ल्ड पॉलिटिकल कंडीशन एक्जैक्टली सिंध की कैसे डेवलप्ट हो रही थी तो एज फार एज ऑफ कंसर्न एज आई टोल्ड यू कि पहले यहाँ पे काल्होरा चीफ थे 1771 के अराउंड जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को तालपुर चीफ जो है आते हुए दिखाई दिए तालपुर चीफ काल्होरा चीफ बहन दोनों इस्लामिक प्रिंसिपैलिटीज ही थी तो बेसिकली काल्होरा चीफ एंड तालपुर चीफ इन्होंने ये एरिया में रिकनसिलेटरी अप्रोच यूज करके सारे ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को ट्रिब्यूट दे रखा हुआ था सेवनटीन में फाइनली मीर फातली अली खान वॉज बेसिकली तालपुर चीफ ही बिकेम द न्यू रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया एंड यहाँ पे आने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने दुर्रानी मुनाथ की स्वजरटी भी एक्सेप्ट करके रखी एंड दुर्रानी मुनाक के हेल्प के साथ ही बेसिकली वॉज कैरिंग आउट हिज लोकल पॉलिटिक्स दुर्रानी मुनाक के सपोर्ट के साथ जब आप लोकल पॉलिटिक्स कैरी आउट करोगे तो एक पीसफुल पीरियड आपको मिला बिकॉज वी हैड सीन कि 1791 तक दुर्रानी क्लैन वॉज क्वाइट पावरफुल इट वॉज ओनली इन सेवनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन विद अराइवल ऑफ़ दि जमान शाह एज अ दुर्रानी रूलर सारे प्रॉब्लम वहाँ पर लेटर ऑन चालू हुए बट इन एनी वेज़ अल्टीमेटली एटीन हंड्रेड आते आते इवन सिंध में गड़बड़ चालू होती हुई दिखाई दी एटीन हंड्रेड में अल्टीमेटली वंस फात अली खान डाइड उसके बाद में अल्टीमेटली उसके जो बेसिकली बेटे थे उन्होंने अपनी ये किंगडम जो है अपने आप में बांट ली दिस पर्टिकुलर फोर बेटे दैट इज चार भाई जो है अल्टीमेटली दे रूल्ड एज अ चार यार चार यार मतलब ये बेसिकली चार ब्रदर्स है वर सन ऑफ मीर फात अली खान उन्होंने ये पूरा एरिया जो है अपने बीच में क्या करके रखा देन ऑब्वियसली बांट के रखा हुआ था एंड सूनरली और बेसिकली सूनर वी कैन से दे स्टार्टेड टू कॉन्कर सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो तो धीरे धीरे करके उन्होंने कराची से लेके वी कैन टॉक अबाउट गुजरात वाला जो एरिया है ये सारी एरिया जो है कैप्चर करके रखे हुए थे जिसके वजह से सिंध स्टार्टेड टू बिकम प्रोमिनट प्रिंसिपैलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 हंड्रेड ऑनवर्ड एंड एटीन हंड्रेड ऑनवर्ड ब्रिटिशर्स एसबी ऑफ इंडिया में सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी बन ही रहे थे इफ़ यू रिमेंबर बाई द टाइम पीरियड ऑफ एटीन हंड्रेड एंड सिक्स ब्रिटिशर्स ने भी मराठास को कॉन्कर करके रखा था एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1880 हंड्रेड एंड एटी आते आतेटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आते आते ब्रिटिशर्स ने पेशवा की टेरिटरी एनेक्स करके बॉम्बे प्रोविंस क्रिएट करके रखा था एंड बॉम्बे प्रोविंस सिंध के बाजू में ही तो है इफ यू फिलिक इन दिस पर्टिकुलर मैप दैन ऑब्वियसली सिंध के नीचे ही अल्टीमेटली आपको गुजरात बॉम्बे वाला एरिया दिखाई देगा दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ बॉम्बे प्रोविंस इट सेल्फ एंड दैट्स से ब्रिटिशर्स के कॉन्टैक्ट में ये लोग धीरे धीरे आना जो चालू भी हुए बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स का कॉन्टैक्ट एटीन हंड्रेड ऑनवर्ड ही सिंध के साथ बढ़ा हुआ है इफ़ वी लुक इन दैट रिगार्ड ब्रिटिश टू टेक इंटरेस्ट इन द एरिया ऑफ सिंध एज अर्लीसटीन सेवन इट सेल्फ सेवनटीन सेवनटी फाइव में इन्होंने सिंध के रूलर के हेल्प के साथ फैक्ट्री जो है थट्टा वाले एरिया में दिस इज थट्टा सिंध रिवर के अराउंड ही आता है वहाँ पर इस्टेबलिश करके रखी हुई थी हाउर सेवनटीन नाइनटी टू आते आते बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशन फात अली खान के अंडर मल्टीपल न्यूमरस लोकल वेर देयर जिसको अल्टीमेटली ध्यान में रख के ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिटिकल फैक्ट्री जो फैक्ट्री इन्होंने बना के रखी थी वो अल्टीमेटली बंद कर दी दर आफ्टर ऑब्वियसली हमने ये भी देख के रखा है कि लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आते आते 1817, 1813, फ्रेंच नेपोलियनिक थ्रेट वॉज देयर फ्रेंच थ्रेट के ऊपर भी हमने इलेबोरेटली बात की है फ्रेंच वॉज तो एबोरेट कॉन्टैक्ट विद इवन टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान डाइड इन सेवनटीन नाइनटी नाइन बट ऑबियसली नेपोलियन वॉज स्टिल देयर एंड नेपोलियन ने फ्रांस कैप्चर करके धीरे धीरे बेसिकली इंडिया की तरफ वापस से आग डालने चालू भी कर दी थी दैट इज वॉट फ्रेंच हैड था एट लीस्ट एंड दैट्स इन ऑर्डर टू स्टॉप द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रांस ब्रिटिशर्स धीरे धीरे ये एरिया में आने चालू भी हुए थे हमने ये भी देखा था कि 1809 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप महाराजा रंजीत सिंह के साथ साइन करके रखी थी ब्रिटिशर्स ने महाराजा रंजीत सिंह ने सतलज को इंडिया का साइंटिफिक बाउंड्री बनाया हुआ था अंडर दैट पर्टिकुलर ट्रीटी सेम ईयर में ब्रिटिशर्स ने अपना एक अनुआ सिंध के पास भी भेजा हुआ था एंड सिंध के साथ भी ऐसे ही ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप या फिर परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन करके रखी हुई थी जिसका वही कंडीशन था जो बेसिकली पंजाब के साथ वाला कंडीशन था कि यू विल नॉट कैरी आउट एनी रिलेशन विद द फ्रेंच पीपल तो यहाँ पे बेसिकली अब फ्रेंच जो है वो इंडिया में नहीं आएंगे ये दैट वॉज द प्राइमरी कंसर्न ड्यूरिंग एटीन हंड्रेड एंड नाइन एटीन टेन एटीन इलेवन फॉर द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेपोलियन इन यूरोपियन पॉलिटिक्स एंड अगर फ्रेंच आएंगे तो आएंगे कहाँ से यही नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आएंगे दैट्स वाई दिस ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप या फिर इटरनल फ्रेंडशिप अल्टीमेटली यही ट्रीटी 1820 में वापस से रिन्यू हुई ये 1820 में रिन्यू होने के पीछे का रीजन था कि अब अमेरिकन एनवॉइस सिंध के कोर्ट में आ चुके थे यानी इसकी खबर ब्रिटिशर्स को मिल गई अमेरिकन वर ग्रोइंग कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखा है कि अमेरिकन आर नो बड़ी बट द ब्रिटिशर्स डेन्ल ये ब्रिटिशर्स लोग ही है जो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना के बैठे हैं हमने कॉन वाल इसके टाइम पे सारे एंगल देखे हुए थे बट इन एनी केस अल्टीमेटली रिनिवल ऑफ द ट्रीटी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट थी बिकॉज ये रीनील ऑफ द ट्रीटी में हमको दिखाई देता है कि सबसे पहले तो अमेरिकन यहाँ पे नहीं आएंगे सिंध वाले एरिया में एंडर आफ्टर जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा ये बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंडर आफ्टर इवन वी कैन से सिंध वो भी हम लोग जो है बेसिकली एमिकल सॉर्ट आउट करेंगे एंड एमिकल्बली सॉट आउट करने के साथ साथ बेसिकली वी विल मेंटेन गुड रिलेशन विथ ईच अदर अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर ट्रीटी के वजह से हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स अंडर आफ्टर सिन दे स्टार्टेड टू डेवलप कमर्शियल इंटरेस्ट विथ ईच अदर जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हुआ बिकॉज दे हैड एंटायर इंडिया अंडर देम बाई एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ये इनफैक्ट रीन्यवल ऑफ ट्रिटी के पीछे वन ऑफ द रीजन ये भी बताया जाता है कि कैप्चरिंग ऑफ एंटायर बॉम्बे वाला एरिया फ्रॉम पेशवास ये बॉम्बे एनहानस प्रोविंस जो ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी में जिसके ऊपर हमने पहले ही देखा दैट्स आर अल्टीमेटली दे बिकम नेबर ऑफ ईच अदर एंड ट्रीटी फाइनली एटीन हंड्रेड एंड थर्टी टू आते आते लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एटीन थर्टी थ्री में हीम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाई कार्टर एक्ट उसके ऊपर भी लेटर ऑन पढ़ना है बट इन एनी वेज अल्टीमेटली सेंट कर्नल पॉटिंगर टू साइन अ न्यू कमर्शियल ट्रीटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया न्यू कमर्शियल ट्रीटी बनना जरूरी था बिकॉज ऑफ द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूरोप सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि फ्री पैसेज फॉर इंग्लिश ट्रैवलर एंडर आफ्टर मर्चेंट आपको देना पड़ेगा फॉर द कमर्शियल परस्यूट तो हम लोग सिर्फ कमर्शियल परस्यूट के लिए सिंध की टेरिटरी जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बट ऑब्वियसली वॉरफेयर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हम लोग सिंध का यूज़ नहीं करेंगे ये सिचुएशन अल्टीमेटली एटीन टू में क्यों आई थी ये भी हमने देख के रखा हुआ था कि एटीन थर्टी टू ये वही वाला पीरियड है जब बेसिकली अफगानिस्तान वाले एरिया में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ना चालू हुआ था एंड यही वाला पीरियड है जब इवन महाराजा रणजीत सिंह के साथ रीनिगोशियेसन ब्रिटिशर्स ने चालू करके रखे हुए थे विच अल्टीमेटली फ्रुक्टीफाइन ट्राई पार्टाइट अलायंस इन बिटवीन शाह शुजा देर आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स इन एटीन तो सिंध भी यही वाले एरिया में था एंड दैट्स डेटेक्ट सिंध को भी अपने अंडर लाना जरूरी था एंड सिंध के साथ अल्टीमेटली एक नई कमर्शियल ट्रीटी करके ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड जो है ये एरिया में अल्टीमेटली बढ़ाना चालू कर दिया कि वैसल ऑफ वॉर हम लोग सिंध में नहीं लाएंगे बट कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सिंध को ओपन रखेंगे नो इंग्लिश मर्चेंट विल सेटल इन सिंध सिंध में कोई भी इंग्लिश मर्चेंट जो सेटल आउट नहीं होगा एंड जो भी इंग्लिश ट्रैवलर यहाँ पे आएंगे वो विद पासपोर्ट ही आएंगे ये दोनों प्रोविज़न अगर आप देखोगे काफ़ी सिग्निफिकेंट है वाई दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ये फ्री ट्रेडर वाला ज़माना था यूरोपियन पॉलिटिक्स में यूरोपियन पॉलिटिक्स में कैपिटलिज्म बढ़ रहा था फ्री ट्रेडर्स बढ़ रहे थे एंड दे लोथेड ब्रिटिश मोनोपोलियन इंडिया वाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मोनोपोलियन इंडिया ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेसर अपॉन ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एटीन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री में जो बेसिकली कार्टर एक्ट आया उससे कंपनी की सारी ही मोनोपोली इंडिया के ऊपर खत्म की गई थी तो इन दैट कपैसिटी दिस टू पर्टिकुलर प्रोविजन सिग्निफिकेंट इसमें आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी नजर आएगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन्टेड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम सिंध बिकॉज उनको अब इंटरनेशनल लेवल पे लॉस हो रहा है बिकॉज उनकी मोनोपोली जा रही है देर आफ्टर टेरिफ रेट जो है दे विल बी अनाउंस नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स विल बी डिमांडेड एंड अमीर अग्रीड टू अल्टर द टेरिफ रेट इफ़ दे आर टू हाई तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टर्म के ऊपर सारे टैरिफ जो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट पर लगेंगे वो डिटमाइन करेंगे एंड सिंस नो मिलिट्री प्रेजेंस ये वाला एक प्रोविजन इसमें हमेशा से ही था देन ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई मिलिट्री ड्यूज जो है अब डिमांड दि, दि, दिम, नहीं करोगे सिंध ऑफ अमीर जो है ब्रिटिशर्स से नहीं लेगा अंडर आफ्टर अल्टीमेटली बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए राजा ऑफ जोधपुर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो आमिर ऑफ सिंध के साथ मिलकर कच वाले एरिया में जो रॉबर है हुआ कैरिंग आउट लूट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट विच वॉज लोइंग फ्राम बॉम्बे प्रोविंस टू सिंध प्रोविंस ये वाली जो लूट है ये बेसिकली ये कच के रॉबर कैरी आउट कर रहे हैं इनको रोकने का काम और सिंध के रूलर करेंगे तो ये सर्टन प्रोविजन जो है नए कमर्शियल ट्रीटी ऑफ एटीन थर्टी टू में साइन होते हमको दिखाई दे एंड स्टार्टेड टू चेंज ड्राफ्टिकली इन एटीन थर्टी सिक्स ऑनवर्ड एटीन थर्टी सिक्स में लॉर्ड ऑकलैंड केम इन टू इंडिया अब इनके ऊपर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है एंड लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी भी हमने देखी थी तो रशियन थ्रेट विच ऑज क्वाइट पेल्पेबल जनरल विक्टे विच वॉज सेटिंग इन द कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान डूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर हमने दोस्त मोहम्मद की पॉलिसी भी देखी थी अल्टीमेटली दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के चक्कर में सिंध विच वॉज बफर बिटवीन पंजाब एंड अफगानिस्तान फंस गया अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह जो है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो उनके एरिया में हम लोग कुछ मिलिट्री बेसिकली इंकर्जन नहीं कर पाएंगे एंड दैट्स सा अगर ये वे एरिया में अगर हमको मिलिट्री प्रेजेंस चाहिए तो सिंध का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा एंड दैट इज अल्टीमेटली दिस पीपल डिड कि अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह ने लोकल कॉरल में एटीन थर्टी सिक्स सिंध के कुछ एरिया जो है कैप्चर करके रखे हुए थे एंड तभी अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी आमिर को ऑफर की कि आप हमारी कंपनी की ट्रूप आपके एरिया में रखो अगर ये रखोगे देन ऑब्वियसली आपको इसका फायदा होगा बिकॉज वी आर अ न्यूट्रल पावर रंजीत सिंह के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो दोनों आपको बेसिकली हाथ नहीं लगाएंगे एंड उसके साथ साथ अल्टीमेटली अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वी कैन सॉर्ट इट आउट इन एमिकेबल वे ब्रिटिशर्स विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर इन बिटवीन डिस्प्यूट ऑफ़ सिंध वर्सेज अफगानिस्तान सिंध वर्सेज पंजाब तो इट वॉज क्वाइट गुड प्रोपोजिशन फॉर दैम एंड यही प्रपोजिशन जब बेसिकली इनको ऑफर किया गया किन को दैन ऑब्वियसली आमिर ऑफ सिंध को दे हैड नो अदर ऑप्शन अब आमिर ऑफ सिंध के लिए बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन बनी थी दे डिड नॉट वॉन्ट टू एंटेंगल दैम सेल विद द रीजनल पॉलिटिक्स बट ब्रिटिशर्स को अगर ये एरिया में अगर आना है तो अफगानिस्तान एंड पंजाब वी आर वे टू स्ट्रोंगर एंड डेट्स अ वीकर पावर जो है वहाँ पे इन्होंने अपना फोर्स धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया फाइनली 1838 में जैसे ट्राइपाटाइट अलायंस महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शाहशुजा के बीच में साइन हुई तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने एक और नई ट्रीटी <coughs> आमिर ऑफ सिंध के साथ साइन करके रखी थी इसके प्रोविजन बड़े सिंपल थे कि पहले वाले टर्म्स तो चलेंगे ही यह मतलब ये सारे टर्म जो थे वो तो चलेंगे ही बस पहले वाले टर्म में थोड़ा सा बमेंट होगा कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई भी वॉरफेयर रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट हम लोग सिंध में नहीं लगाएंगे बट अब इन्होंने लगाना चालू कर दिया तो अल्टीमेटली इन्होंने वही वाले प्रोविजन इसमें डाले कि इंग्लिश कैन इंटरवीन इन बिटवीन द डिस्प्यूट ऑफ आमिर एंड आफ्टर इवन आमिर एंड अफगानिस्तान एंड दिस इज हाउ अल्टीमेटली धीरे धीरे करके हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ना चालू हो गया एंड इन ऑर्डर टू हैंडल दिस एस्पेक्ट एक रेसिडेंट आपके कोर्ट में लिया जाएगा विद ब्रिटिश ट्रुप ब्रिटिशर्स को जो चाहिए था वही मिल गया कि ब्रिटिशर्स की ट्रुप अब सिंध वाले एरिया में जाएगी उनके कैपिटल सिटी में जाएगी एंड वंस ब्रिटिशर्स ट्रुप इन द सिंध कैपिटल देन यू नो फिर आगे क्या होगा कि रेसिडेंट राइवल क्लेमेंट ढूंढेगा एंड क्लेमेंट के थ्रू इंटरनल पॉलिटिक्स में मेडल करना चालू कर देगा तो सिंध वर्चुअली टर्न आउट टू बी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड रंजीत सिंह ने भी रंजीत सिंह के साथ साथ इवन शाहजाइफ यू रिमेंबर अब एटीन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन में एंग्लो अफगान वारफेयर होंगे एंड एंग्लो अफगान वारफेयर में शाह शुजाह विल बिकेम आमिर ऑफ अफगानिस्तान टिल एटीन हंड्रेड एंड फोर्टी वन तो आमिर ऑफ अफगानिस्तान

ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस ही करके रखी थी कि अंडर थ्रेट ऑफ द सुपीरियर फोर्स आमिर एक्सेप्टेड ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन फेब्रवरी एटीन हंड्रेड एंड थर्टी नाइन एंड ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस एक बार आपने साइन की देन एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर यू हमने पहले भी देखा था कि वॉट इज एग्जैक्टली ट्रिटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस कि पहले तो जो आमिर ऑफ सिंध है अब दे विल नॉट कीप देअर फोर्स दे विल कीप ब्रिटिश फोर्स इन रिटर्न आमिर ऑफ सिंध जो है उनको ब्रिटिश फोर्स का खर्चा देना पड़ेगा सब्सिडी देनी पड़ेगी दर आफ्टर आमिर अब कोई भी फॉरन एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकता फॉरन कॉन्टैक्ट भी नहीं रख सकता एंड इन ऑर्डर टू मैनेज ऑल दिस अफेयर फाइनली एक रेसिडेंट जो पहले से आपके कोर्ट में वो अब चलता भी रहेगा अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव हुई कि पहले कंपनी के थ्रूस अब लार्ज स्केल लेवल पे सिंध में अपने इन्फोर्स कर दिए एंड फॉर दैट परपज आमिर वॉज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सिडी ऑफ रुपीज थ्री लैख टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी

एंड जनरल एलेनबर्ग को अब कोई ना कोई तो एक स्केप बोर्ड चाहिए था कि अगर नाम हमारा अफगानिस्तान में बर्बाद हुआ है तो कंपनसेड कोई ना कोई तो दूसरे एरिया में होना चाहिए एंड दैट दूसरा एरिया कौन सा होगा फिर ऑब्वियसली सिंध होगा एंड दैट इज़ नाट अल्टीमेटली स्टार्टेड कि फाइनली पहले तो एटीन से फोटी का वॉर पर सिंध के आमिर को अच्छा नहीं लगा एंड दैट्स अल्टीमेटली धीरे धीरे सिंध ऑफ आमिर जो है वो हॉस्टाइल भी बनते गए ब्रिटिशर्स के ऊपर एलेनबर्ग वन सी केम इन टू पावर इन एटीन हंड्रेड एंड फोर्टी टू उसने वही चार्ज सिंध के ऊपर लगाया एंड सिंध के ऊपर लगा के अल्टीमेटली उनके ऊपर एक नई ट्रीटी जो है एनफोर्स कर दी अंडर दिस पर्टिकुलर न्यू ट्रीटी फाइनली हम लोगों को दिखाई देता है कि मोर मिलिट्री प्रेजेंस इन्होंने अफगानिस्तान सॉरी uh, सिंध वाले एरिया में ब्रिटिशर्स ने लगा दिया बट ऑब्वियसली मोर मिलिट्री प्रेजेंस आपका नाम नहीं बचने वाला है अगर अफगानिस्तान यू हैव लॉस्ड आपको कंपल्सटरी टेरिटरी चाहिए एंड डैट इज़ नॉट अल्टीमेटली वॉज डन बाय ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली जनरल आउटराम को भेजा था पहले कहाँ पर देन ऑब्वियसली ये वाले एरिया में दैट इज़ सिंध वाले एरिया में बट आउटरा के बाद एक और सिग्निफिकेंट मिलिट्री पर्सनैलिटी चार्ल्स नेपियार को यहाँ पे भेजा गया एंड चार्ल्स नेपियार वॉज अ सीनियर पर्सन चार्ल्स नेपियार ने लोकल लेवल पे एट्रोसिटीज कैरी आउट करनी चालू की फॉर द हैवी एक्सट्रैक्शन ऑफ द मनी इसको तंग आके सिंध के जो आमिर है उन्होंने रिवॉल्व कर दिया आमिर का रिवॉल्व चार्ल्स नेपियार ने कंप्लीटली बेसिकली ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके ये वाला एरिया अनेक्स कर लिया ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है अब हम इन डिटेल नहीं जाएंगे इसमें कि लोकल लेवल पर क्या वॉरफेयर हुआ और क्या चीज़ें हुई बस ऊपर ऊपर से इसको याद रखना बिकॉज एज आई टोल्ड यू कोई सवाल यहाँ से तो आता नहीं है एंड ये पाकिस्तान वाला एरिया तो उनकी हिस्ट्री में इन डिटेल जाने का कोई मतलब भी नहीं है बट इन एनी वेज अल्टीमेटली चार्ल्स नेपियर की पॉलिसी को हमेशा से ही ब्रिटेन में क्रिटिसाइज़ किया गया था इनफैक्ट जैसे हमने सिख क्रिटिसिज्म देखा था कि ब्रिटिशर्स की रिस्पॉसिबिलिटी थी कि सिख एम्पायर को प्रोटेक्ट करना बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर को ख़त्म किया एंड देख सिर्फ ख़त्म ही नहीं किया तो कॉन्कोर भी करके रखा था तो इट वॉज अ वेरी रॉन्ग एस्पेक्ट और वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली चार्ल्स ने पी आर के लिए ऊपर भी यही एलिगेशन पहले के टाइम पर लगा बिकॉज एटीन फोटी थ्री में सिंध का जो अनेक्सेशन हुआ तो सिंध हैड ऑलरेडी कैपिटुलेटेड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ने सिंध के ऊपर सब्सिडी रिलायंस ट्रिटी डाल के रखी थी सिंध हैड नेवर रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स दे वर रिलक्टन टू फाइट एंग्लो अफगान वॉरफेयर पर फिर भी जो जो हेल्प लगी वो ब्रिटिशर्स को इन्होंने करके रखी थी एंड दैट्स अल्टीमेटली जो क्रिटिसिज्म है सिग्निफिकेंट है सर बटलर वॉज वन ऑफ द बेसिकली मिलिट्री कमांडर एज वेल एज बायोग्राफर ऑफ चार्ल्स ने प्यार उन्होंने एक एलिगेशन लगा के रखा है कि नो मैन एवर लॉन्ग फॉर अ मिस्ट्रेस मोर देन दिस मैन लॉन्ग फॉर वॉर तो चार्ल्स नेपियर ने यूनि ये वॉरफेयर चालू करवाया था इन ऑर्डर टू क्रिएट हिज ओन लेगेसी की वॉरफेयर होगा एंड आफ्टर हमको इसका फ़ायदा होगा स्पेसिफिकली मेरे नाम को इसका फ़ायदा होगा एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जेम्स आउटराम हु वॉज अर्लियर सेंट इन टू दिस एरिया इनके ऊपर अल्टीमेटली चार्ल्स नेपियर आए तो उन्होंने भी एक ओपन कंडमनेशन लेटर इनके ऊपर छाप के रखा हुआ था कैन सिक ऑफ योर पॉलिसी आई विल नॉट से यूर इज बेस्ट बट इट इज़ अनडाउटेडली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द स्वॉर्ड ओह आई विश यू हैड ड्रॉन इट फॉर द बेटर पर्पज कि भाई आई कैन अंडरस्टैंड की पॉलिसी आपकी वर्स्ट हो सकती है बट आपने जो तलवार निकाली है दट कुडे बीन यूज फॉर अ बटर पर्पज देर वॉज एब्सोलेटली नो नीड टू कॉन्कोअर सिंध ये सिंध कॉन्कोअर करना है बेसिकली स्ट्रेटेजिकली ब्लडर जो है एंड अल्टीमेटली वो प्रूव भी हुआ कभी आप पाकिस्तान का हिस्ट्री पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज की चेंजिंग सिचुएशन और चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ एंटायर सिंध सिंध के लिए तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी बिकॉज यहाँ पे अल्टीमेटली धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम वाली राइवलरी डेवलप्ड होती गई एंड अल्टीमेटली सिंध वाला एरिया जो है कम्पलीटली वोटेड फॉर मर्जर विद पाकिस्तान एंडर आफ्टर हैंनरी लॉरेंस का भी क्रिटिसिजम है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर चार्ल्स नेपियर हिमसेल्फ उन्होंने ये एक्सेप्ट करके रखा था कि वी डू नॉट हैव राइट टू सीज सिंध येट वी शॉल डू सो एंड अ वेरी एडवांटेजियस यूजफुल एंड ह्यूमन पीस ऑफ रेस्क रेस्लिटी इट विल बी मतलब हम लोग को इसका कोई बेसिकली ये नहीं है कि राइट नहीं है टू तो अनेक सिंध सिंध पहली हमारे अंडर है स्टेट्यू ऑफ सब्सिडी रिलायंस पहली साइन हो चुकी है एंड इन दैट कैपेसिटी अगर हम इसको अनेक्स करते हैं तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये एडवांटेजियस एंडी एवर हो सकता है तो बेसिकली इवन चार्ल्स ने पी आर हेड गिवन दैट हम्बल सबमिशन कि भाई हम लोगों को कोई राइट नहीं है सिंध को अनेक्स करने का बट अनफॉर्चुनेटली 1843 में सिंध वॉज अनेक्स एंड सिंध के अनेक्स के साथ साथ इट वॉज मर्ज विथ इंडिया एंड दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग इन टू राइट की प्रोसेस ऑफ़ इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री एंड सिंध के इंटीग्रेशन के बाद अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने अटेंशन इंडिया के दूसरे वाले एरिया में भी लगा के रखे थे एंड दैट इज़ नॉट वी विल एंटर इन टू कि हमको तिब्बत भी कवर करना है भूतान भी कवर करना है देर आफ्टर इवन वी विल बी लुकिंग इन टू बर्मा बट दैट इज़ फॉर द टुमारो आज के लिए इतना ही अगेन आगे जाने से पहले गाइज ओके एस आई पी दैट इज़ सक्सेस इन प्रिलियम्स जो है उसकी बैच हैज़ ऑलरेडी बिन लॉन्च ऑन फोर्थ ऑफ डिसम्बर मैंने आपको पहले ही बता के रखा था कि प्रिलियम्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक एंड अभी भी आपके पास टाइम है सेवेंटी फाइव डेज में अगर आप ये प्लान पे स्टिक रहते हो देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू कि सेवेंटी फाइव डेज में यू कैन कैरी आउट थोरो पॉसिबल रिविजन ऑफ हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं प्लस करंट अफेयर इकोनॉमी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्लस सी सेट तो सारी ही चीज़ें इलेबोरेटली विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स डेली बेसिस पे फोर टू फाइव आर्स के लेक्चर होंगे विच विल बी फॉलोड बाई टेस्ट सीरीज ऑल्सो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिविजन यू कैन कैरी आउट विद इन सेवेंटी फाइव डेज एंड जो बचे हुए दिन हैं दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर द रिविजन पर्पज़ लेटर ऑन अगर आपका रिविजन हो चुका है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ बट फिर भी कभी कभी होता है ना कि एक हाथ पर्टिकुलर सेक्शन नहीं आ रहा है तो यू कैन यूटिलाइज दिस कोर्स इवन फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन जैसे सी सैट वाला प्रॉब्लम हो सकता है या फिर से इवन एंशंट मीडियाल हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है तो वाला प्रॉब्लम हो सकता है एंड एडिशनल बेनिफिट तो आपका यही है कि आई एम गोइंग टू टेक द हिस्ट्री पार्ट इन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स So if you are interested in this particular guy, course guys then abhi will be time hai. the batch has just begun. Hardly Charpal December launched December. Hai. So in that capacity, if you want to get admission into this course, then entire course is available at a very affordable rate of 7499 if you use my code SNLIV. So I hope to see you in the class, guys. And that will be it from my part. Again, se pehle, you will get access to the crux as well as PPTs. दिस पर्टिक्यूलर टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स एंड चैनल के ऊपर अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है देन फील फ्री टू आस्क मी सो दिल वेट फ्रॉम माई साइड टूडे आज के लिए रोकते हैं एंड कल फाइनली वी विल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री बट वो कल सो आज के लिए इतना ही दैट विल वेट फ्रॉम माई साइड गाइज विल मीट अगेन देन टुमोरो ओके थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल